वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शबनम फौजी वाइफ। कैसे हैं आप सब? हैप्पी नवरात्रि आप सभी को। तो आज जैसे कि नवरात्रि है तो मैंने यहाँ माता बिठाई हैं। ये देखो मैंने यहाँ पे जितना भी हो सका है, बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कर पाई बिकॉज फौजी साहब के पास भी ज़्यादा टाइम नहीं रहता है और मैं सब कुछ यहाँ अवेलेबल कर लेते तो भी हम उतने पूरे विधि विधान के साथ पूजा नहीं कर पाते क्योंकि मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं आपको सच बताऊं तो जितना मैं जानती हूँ, मम्मा को मैं देखती रही हूँ तो उतना मैं कर लेती हूँ, तो उतना मैंने कर लिया है। बाकी जो जौ वगैरह होते हैं वो घर पे मम्मा ने लगाए होंगे, तो आपको नेक्स्ट कभी भी जब हम घर पे होंगे तो पक्का दिखाएंगे कि पूरी तरीके से नवरात्रि का व्रत मम्मा कैसे रहती हैं और हमारे यहाँ कैसे रहा जाता है। यहाँ तो जैसा भी मैं जितना भी जानती थी मैंने किया, छोटी छोटी सी क्लिप्स जो मैंने ऐड किए हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। आगे आप ब्लॉग में बने रहिए और देखिए और बताइए कि दी आपने ये मिस्टेक की है, ये सही किया है, जैसा भी आपको लगता है आप बताइएगा। और अगर ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा। और तो ये यहाँ मैं बना रही हूँ खोया। खोया मीन्स आप लोग जानते नहीं होंगे मावा, मावा जो दूध से बनता है। किसी के यहाँ खोया बोलते हैं, किसी के यहाँ मावा, तो हमारे यहाँ खोया बोलते हैं इसलिए मैंने बोल दिया। तो ये मावा बना रही हूँ मैं प्रसाद के लिए, पेड़े बनाने के लिए। तो ये मावा बन ही गया है तो बस इसमें अभी मैं पिसी हुई चीनी मिक्स कर लूँगी और इसके पेड़े बना लूँगी, छोटे छोटे से पेड़े बना लूँगी। बाहर का प्रसाद में डाउट रहता है कुछ मिक्स ना हो, इसलिए ना मैं प्रसाद बना के रख ले रही हूँ 9 डेज़ के लिए। ये सीबी मेरी हेल्प कर रहा है, देखो आप। और यहाँ मैं बना रही हूँ बंधनवारी, जो आप लोग जानते होंगे नवरात्रि में पत्र रहते हैं तो ये आम के पत्तों की बंधनवारी गेट पर लगाना शुभ होता है। मैं देखती आ रही हूँ बचपन से ये चीज़ें, मेरी मम्मी भी करती थी तो मैं वहाँ भी कुछ करती थी और यहाँ सासू माँ बहुत ज़्यादा ही करती हैं, तो सब चीज़ें ऐसे देखते देखते मैंने ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी सीख ली हैं। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ, गेट पे लगाऊंगी अभी इनको। आम के पत्ते में फौजी साहब से शाम को ही मंगा लिए थे और इनको वॉश करके रख लिया, अभी इनको तोड़ के दो दो करके मिक्स करके ये बाहर का मेन गेट है उस पर मैं लगा रही हूँ इनको। यहाँ लगाने के बाद अभी ज़्यादा बच्चे नहीं है पत्ते, वो कम लेके आए थे तो अंदर नहीं लग पाया, थोड़ा सा लगा दिया मैंने। तो यहाँ मेन गेट पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बोलते हैं मेन गेट पे ज़रूरी होती है ये, तो इसलिए मैंने यहाँ लगा दिए। आप देख रहे होंगे कि ये क्वार्टर की वॉल है, कैसी लग रही है, गंदी सी है ये। यहाँ पे बस कंडीशन ही ऐसी है क्वार्टर्स की, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये माता रानी को हार पहना रहे हैं फौजी साहब। ये हम शाम को ही सारा सामान ला के रख लिए थे क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी नहीं जा सकते, हमारी पूजा ये सुबह का ना 5:30-6 बज रहा है, तब हमने सारी पूजा कर ली थी क्योंकि 7 बजे फौजी साहब को ड्यूटी जाना होता है ना, तो फिर हम अगर लेट करेंगे तो फिर वो साथ में पूजा नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने सारा सामान रात में ही रेडी कर लिया था और सुबह उठ के बस भगवान का वो बर्तन साफ़ करके और बस पूजा के लिए हम रेडी हो गए, नहा धो के घर की सफाई करके बस। इसलिए अगर चाहते तो सुबह अगर हम मैं आराम से भी कर सकती थी, फिर सारी प्रॉब्लम ये है कि फिर वो भी फास्ट रहते हैं फौजी साहब, हमेशा ही नवरात्रि फास्ट रहते हैं तो उनके साथ ही पूजा हो जाएगी, इसलिए हम सब कुछ पहले से ही रेडी कर लिया था। तो बस अभी यहाँ से पूजा करने के बाद, अभी ये आप सोच रहे होंगे व्लॉग से भी शूट कर रहा है ये वीडियोस, जब तक मैं इनसे पूजा करवा रही हूँ अब ये आ गया है तो वो शूट कर रहे हैं, तो इसको बताना पड़ता है। अभी उसकी दादी भी बता बता के करवाती रहती थी तो मैं भी बस वही बता बता के जितना मेरे को आता है मैं करवा देती हूँ। तो बस ये है कि बताने से करता है, इंटरेस्टेड है, नहा भी लिया है सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ के कहने से ना कर लेता है, ऐसा नहीं है कि इसकी कोई ऐसा नेचर हो कि रोए या मना करे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये प्रसाद रखा हुआ है आप देख लो, ये जितना जैसे भी मैनेज कर पाया करो मैं आपको दिखा रही हूँ। बस यहाँ पे ये हमारे यहाँ ना वो ओम एं क्लिंग क्लिंग चामुंडाई विक्षे करके 9 बार ये मंत्र होता है माता रानी का, तो ये बार 9 बार बोल के हम ये आहुति लगाते हैं 9 बार, तो ये वही आहुति मैं लगा रही हूँ। उसके बाद ये लौंगों का जोड़ा हमारे यहाँ चढ़ाते हैं, हर
दिन, ये 9 दिन तक हर दिन हम लौंग का जोड़ा चढ़ाएंगे। तो पहले मैंने सीवी से चढ़वा दिया है फूल के, अभी ये फौजी साहब कर रहे हैं। तो मैं मंत्र जो मंत्र मुझे याद है ना, मैं माता रानी की वही मंत्र बोल लेती हूँ 99 बार। जो याद नहीं है, क्योंकि मम्मा के पास तो सारे कुछ वो फोटोकॉपी करा के रख लेती हैं, बुक्स वगैरह भी होती हैं उनके पास, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। और मोबाइल में ज़्यादा मैं जितना आता है बस उतने में ही कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा करने की कोशिश नहीं करती, और जितना बस समझ पाती हूँ उतना दिल से कर लेती हूँ बस। हाँ, तो ये बस यहाँ पे हम दोनों ने पूजा कर ली है। अब ये हवन करने के बाद आरती करेंगे। आरती पहले सोचा था जो हमने आरती की है ना हम आपको सुना देंगे, इसको वॉइस ओवर नहीं करेंगे, क्योंकि आरती पर हुआ यूँ कि उसमें जो वॉइस ही क्लियर नहीं आ रही थी, वो सूट कर रहा था, बहुत कम वॉइस आ रही थी, तो इसलिए हमने फिर वॉइस को डिले कर दिया और वॉइस ओवर करके आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट जब भी बनाऊँगी तो, क्योंकि आरती मुझे आरती बहुत पसंद है, जो ये मैं आरती गा रही हूँ ना माता रानी की, ये मेरे मायके में होती थी आरती, मुझे वहाँ से याद है। मम्मा के यहाँ पे तो दूसरी आरती होती है अम्बे गौरी वाली, पर मेरे यहाँ जो आरती होती थी वो आरती मैं गा रही हूँ, ये मेरी फेवरेट आरती थी। तो मैंने सोचा था आप लोगों को सुना दूँगी, लेकिन फिर नहीं हो पाया। नेक्स्ट अगर बनाऊंगी तो फिर मैं पक्का देखूंगी, सुनाऊंगी। तो यहाँ मैंने बस कर लिया है पूजा अपना कंप्लीट। और ये फ्रूट्स बोलते हैं कि अनार चढ़ाना माता रानी को मतलब शुभ होता है, मम्मा बोलती हैं, तो बस मैंने वही अनार एक माता रानी को चढ़ाया एक कलश के पास। आप सोच रहे होंगे मैंने स्टील का कलश क्यों रखा हुआ है, लेकिन यहाँ था नहीं इसलिए। तो चलो अभी कुछ बना लिया जाए खाने के लिए, क्योंकि पूजा पाठ तो हो गया है, लेकिन ये जो पेट है ना इसमें भी पूजा करनी पड़ती है, क्योंकि बिल्कुल खाली पेट तो नहीं रह सकते। और फौजी साहब तो काम भी करते हैं, बाहर मेहनत भी करनी पड़ती है, बाहर जाना भी पड़ता है, तो कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए चाहिए। फ्रूट्स उनको ज़्यादा पसंद नहीं है, मीठा खाते नहीं है, तो उनके लिए अभी मैं कुछ बना लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ, है ना। और सबसे पहले जो मेरे से कहा गया है कि आज से और 9 दिन तक कैप लगा के खाना बनाना है, कुछ भी बनाना है, एक भी बाल खाने में आ गया तो मैं खाना नहीं खाऊँगा। तो फिर सबसे पहले मैं लगा लेती हूँ कैप, है ना, उसके बाद स्टार्ट करती हूँ मैं कुछ भी बनाना, नहीं तो डांट पड़ जाएगी। तो चलो अभी मैं बना लेती हूँ कुछ, हैंड वॉश कर लेती हूँ, है ना, हेयर्स में। तो अभी से 9 डेज तक जो भी बनाना है वो घी में बनाना है, रिफाइंड यूज़ नहीं करना है, ऑयल यूज़ नहीं करना है। तो मैंने ये ले लिया है घी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ, मीठा तो फौजी साहब बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, और रही नमकीन की बात, तो नमकीन के लिए ये अलग से पीनट्स जो हम डेली यूज़ करते हैं उनको यूज़ नहीं कर रहे हैं, अलग से पैकेट मैंने मंगा लिया है, क्योंकि उनको मैं खाने के साथ यूज़ करती रहती हूँ, छूती रहती हूँ। तो ये जो ब्रश का मटेरियल है वो मैंने सारा अलग से मंगा लिया है। तो ये है बड़ा वाला साबुदाना, आप लोग कुछ तो जानते होंगे, कुछ नहीं भी अगर नहीं जानते हैं, छोटा साबुदाना आता है उस तरीके का, ये सबसे बड़ा साबुदाना है। मैं इसको आपको ओपन करके दिखाती हूँ, दिखाऊंगी अभी बनाते टाइम। तो ये जो साबुदाना है ना, ये इस टाइप से बड़ा बड़ा दाना टाइप होता है, ये देखो, ये इस टाइप से बड़ा बड़ा सा दाना होता है। तो इसको फ्राई कर लेते हैं, ये फ्राई करके फिर इसमें जो सेंधा नमक यूज़ करते हैं खाते हैं व्रत में, तो वो वाला नमक इसमें यूज़ कर लेंगे, और उनके साथ में ये पीनट्स, तो दोनों मिक्स करके उसमें हम ये सेंधा जो व्रत वाला फास्ट वाला नमक होता है वो मैं यूज़ कर लूँगी, यूज़ कर उसको मिक्स कर दूँगी, मिक्स करके फिर चाय के साथ नमकीन ये ले सकते हैं, खा सकते हैं। तो कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए, है ना। तो चलते हैं बनाते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैं कैसे फ्राई करूँगी और कैसे बनाऊँगी। तो ये पीनट्स मैंने कर लिए हैं फ्राई, यहाँ पे ये डाल दिए मैंने, इनको डीप फ्राई कर लेती हूँ मैं, और थोड़ा पेपर या किसी कागज़ में डाल के इनका ऑयल थोड़ा सा निकल जाता है, डीप फ्राई में ये एक जैसे फ्राई हो जाते हैं, इसलिए मैं डीप फ्राई करती हूँ पीनट्स को। तो जो लोग वैसे करते हैं कम ऑयल डाल के, वैसे भी हो जाता है। तो यहाँ मैंने ये साबुदाना जो आपको दिखाया था बड़ा वाला, वो वाला साबुदाना ये मैंने फ्राई कर लिया है। साबुदाना थोड़ा ज़्यादा देर तक फ्राई करना है,
क्योंकि ये फिर अगर थोड़ा भी टाइट रह जाता है तो ये चिपकता है दांतों में, फिर वो अच्छा नहीं लगता खाने में। तो आप लोगों को ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ऐसे अगर बनाना चाहो तो ये ऐसे करके मैंने। और साबूदाना थोड़ा ज़्यादा रखना है, पीनट्स थोड़े कम रखने हैं, क्योंकि साबूदाना ठंडा होता है तो गर्मियों में अच्छा रहता है। तो ये बना दिया मैंने फौजी साहब के लिए चाय के साथ नमकीन, और ये इस तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। यहाँ पे इसमें व्रत वाला नमक मिक्स कर दिया है, और ये है खीर, क्योंकि ये मीठा मैं खाती हूँ तो ये खीर मैंने अपने लिए बनाई है। तो आज का व्लॉग यहीं पे मैं क्लोज़ करूँगी। कैसा लगा आपको तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और तब तक के लिए बाय बाय।